अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहा सोचा था कि रानी बनकर ये घर पे राज करेंगे, पर कृष्णा, वो कृष्णा हमें ये बच्चों की तरह हाथ खर्चा दे रही है। इन पैसों से हम कहा करेंगे, इन पैसों से इससे तो चाय पानी भी ना होगा। हेलो गोपाला, तो 25,000 का इंतजाम करके रख, मैं लेने आ रहा हूँ। का 25,000? 25,000? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? तो इतना चौंक क्यों रही है? 25,000 मांगे, 25 लाख नहीं। मुझे ना एक मस्त जुगाड़ू वकील मिली है जो 25,000 में हमें घर के नकली पेपर बना के देगी, वो भी साइन के साथ। तो कृष्णा भी ना चक्कर खा जाएगी देख के। देखो, हम सब ये ना जानते, अब इस वक्त 25,000 हम इंतजाम ना कर सकते हैं। गोपाला, मेरे सामने बकवास मत कर। अगर आज हमने पैसे का इंतजाम नहीं किया ना, तो वो वकील हमारा काम करके नहीं देगी। अच्छा अच्छा, तुम फालतू का नाटक कर रहे हो? ये तो वो कृष्णा सारे पे नाच रही है, ऊपर से ये अच्छू नाच रही है, इसको ताऊ से अच्छू सही तो कह रहा है। अगर किसी भी तरह वो 25,000 का इंतजाम हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तो बस 3-4 हजार ही, बाकी का कैसे इंतजाम करेंगे हम? पैसे कैसे इंतजाम? इसको ना बातों में उलझाते हैं और कुछ तरकीब निकालते हैं। हेलो जी, कोनो जरूरत ना है, वो ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। हाँ, कोई फायदा नहीं है वो। गोपाला, क्या हुआ, सब ठीक है? ऐसे तुम बड़ी परेशान सी थी, किससे बातें कर? कुछ नहीं, हम ना घर वालों के लिए बाहर से कुछ खाना मंगवा रहे थे, पर आपका फायदा हमने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अभी तक कृष्णा की बात से दुखी हो क्या? खा लंबी तारी बिखरे बाल, हम गैरों की बातों से कहा तो क्यों होंगे, हम तो अपनों के बारे में सोच सोच के बहुत दुखी है। वो कहा है ना, हमने सोचा था कि परिवार वालों के लिए स्पेशल खाना मंगवाएंगे, सब खाएंगे, खुश हो जाएंगे, पर आपका फायदा ये पैसों से तो सिर्फ दाल रोटी होगा ना, इतने पैसे में गुजारा कैसे होगा, इसलिए हमने वो ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। बस इतनी सी बात है और तुम दुखी हो? रुको, हम अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास है ना हमारे हिस्से के पैसे, ये तुम रख लो और कभी भी जरूरत हो ना हमसे पूछ लिया करो। अब अपने लिए और घर वालों के लिए जो मर्जी हो ना वो मंगवा लो, ठीक है? नाना जी, ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तो तुम्हारे हिस्से का पैसा है ना। ना ना ना, ये हम ना ले सकते हैं। ना 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 ना। गोपाला, बात सुनो, पैसों में हमारा तुम्हारा क्या होता है? हमारे पैसे भी तो तुम्हारे पैसे है ना, तो चुपचाप ये पैसे रखो और अपने लिए और घर वाले के लिए जो मंगवाना वो मंगवा लेना, ज्यादा नहीं सोचना, मंगवा लो। थैंक यू। का गोपाला, ये तूने का कर डाला, थोड़ा सा आंसू गिराया और ये पैसा डबल कर डाला। ये 10,000 तो हो गए, अब बाकी के पैसों पे हाथ साफ करना होगा। आप तो जानते हैं ना महादेव, कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस परिवार को गोपाला से बचाने के लिए कर रहे हैं।
हमें शक्ति देना महादेव कि हम अपने काम में सफल हो। कृष्णा बेटी, ये पैसे, ये हमारे हिस्से के पैसे हैं, इसे तुम रख लो। दरअसल बात यह है कि हमारा कुछ खास खर्चा तो है नहीं और बाकी की जरूरतें इस घर से पूरी हो जाती हैं, तो तुम रख लो ये। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे पैसों की जरूरत ना पड़ती हो। आज आपको जरूरत नहीं है तो आप हमें ये पैसे लौटाने आ गए, और कल जब जरूरत पड़ेगी तो हमसे मांगने आ जाएंगे। और हमारे पास बस यही एक काम नहीं है कि हम पैसे दे और ले। माफ करना महादेव, हमें बाहूजी से भी ऐसे बात करनी पड़ रही है, पर आप तो जानते हैं ना, हम किसी को शक नहीं होने दे सकते हमारे ऊपर। ये रघुवेंद्र तो कृष्णा के नाम की माला जप रहा है, इस लड़की ने तो इसे भी नहीं बख्शा। कैसे नागिन की तरह जहर फूंक रही है सब। हाँ माँ, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन पैसा भी ना बहुत बुरी चीज है, अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देती है। चले यहाँ से। तुम अच्छे से जानते हैं, तुम जिस तरीके से हमसे बात कर रही हो, तुम्हारे पास इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। हम तो बस सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जो भी करो हमेशा कामयाब रहो। भोलेनाथ, हमारी कृष्णा को ये रूप जिस भी कारण से लेना पड़ा हो उसका साथ देना। हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पूरे 4,000, मतलब एक दिन के 135। वैसे तो बहुत कम है, इतने में हमारा क्या होगा, मगर फिलहाल कुछ तो करना पड़ेगा ना, हमें ही काम चलाना पड़ेगा। अरे अरे, वैसे हमारे पैसे, पंखा किसने, पंखा बंद कीजिए, क्या करें आप, हमारे पैसे उड़ गए।
मान जी आपको सुनाई नहीं दे रहा, कह रहे पंखा बंद। बहुत मजा रहा है हमें परेशान करने में ऐसे। हमने कहा पंखा बंद करो। अरे हमारे पैसे घोड़े भर के हो गए, मगर अकल ना रस्ती भर की नहीं है तुम्हें। नहीं है, लेकिन तुम्हें एक एक पैसे के लिए ऐसे तड़पते हुए देखकर हमें बहुत मजा आ रहा है। हमारे पैसे दादी, हमने सही किया ना? बिल्कुल सही किया, ज्यादा ना सोच। कृष्णा, ये सब तुम बाद में कर लेंगे, लाल वो तो कर ले जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कृष्णा, तुम अपनी खुद की बहन के साथ, अपनी कौरी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो कृष्णा? तुम्हें तो पता है ना, हम घर में सबसे छोटे हैं। अरे शादी से पहले जब हम कॉलेज जाते थे ना, तब हमारे इतने सारे खर्चे होते थे, इतनी सारी जरूरतें होती थी, वो पैसे कम पड़ जाते थे। तब तुमने ये कैसे सोच लिया हमारा इतने कम पैसों में गुजारा हो जाएगा? हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो कृष्णा? देखो, हमने जो पैसे दिए है ना, पूरे घर वालों को एक जैसे पैसे दिए, बराबर के दिए। अब अगर हम उन सभी लोगों से तुम्हें ज्यादा पैसे दे देंगे तो उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? नाइंसाफी ना हमारे साथ हो रही है कृष्णा, वो सब तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारी बहन है। तो फिर अरे हम तुम्हारी टीम में हैं, हम तुम्हारी तरफ से लड़ रहे हैं। तो काका, काका हमारी टीम में है तू? ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। है कृष्णा का भाई हमारी टीम में है तो फिर तो ऐसे पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी टीम वालों के पास तो पैसे हुआ ही नहीं। ऐसा कर गौरी, बेटा तू हमको पैसे दे दे। नहीं 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 नहीं, कोई 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 को, को, बात नहीं। हम एक काम करते हैं ना, आप ही कहती है ना कोई दी हुई चीज ऐसे वापस नहीं लेते, तो फिर कोई बात नहीं, हमें जो पैसे मिल गए हम उसमें अपना गुजारा कर लेंगे। अच्छा, तो अगला निशाना गौरी है। अब इसके पैसों पे नजर है तुम्हारी। रुको, हम तुम्हारा काम और आसान कर देते हैं। तुम तो इस घर में सबसे छोटी हो ना? हाँ, अब तो सबसे छोटे होने के नाते ना, अब सभी लोगों से तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे मिलना तो तुम्हारा हक है ना? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ना हमारे साथ हमारे कमरे में चलो, तुम्हें 500 रुपए ज्यादा देते हैं। हाँ चलेगा, चलो। खुश? हेलो सर, मैं एक वकील हूँ। अगर आपको कभी भी जाली कागज बनवाना हो या किसी के नकली साइन करवाना हो तो आप हमें बताइएगा, ये सारे पेपर्स हम आपको तैयार करके दे देंगे। और हाँ, ये हमारा नंबर है, आप इसे छबीली के नाम से सेव कर लीजिएगा। जी गोपाला और अच्छू को अपने ही जाल में ऐसा फंसाएंगे कि उनकी सच्चाई खुद ब खुद सारे परिवार के सामने आ जाएगी। अब देखना ये कृष्णा क्या क्या करती है। अब तो एक काम करो, तुम ना हमारे साथ कमरे में चलो, हम ना तुम्हें 500 रुपए ज्यादा देते हैं। चले कैसे हो सकते हैं? हमने हमारे पैसे यहीं रखे थे, अभी थोड़ी देर पहले रखे थे, गायब कैसे हो सकते हैं? सुकांत,
पता नहीं इस कृष्णा के राज में और क्या क्या देखना पड़ेगा। हमें कुछ भी करके ये पैसा लेना होगा। दादी, आरती। हाँ। पैसा। हर हर महादेव। दादी, अब हम आपको कहाँ बताएं? क्या हुआ? हमको ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कृष्णा की वजह से जो घर में अनाप शनाप हो रहा है, उसकी वजह से ना हमारा मन तो केवल ये पूजा पाठ में ही है। और बस बस हमें ना बस आपके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है दादी। बस आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए दादी, आपके आशीर्वाद की बहुत। अरे बस बस गोपाला, और कितने पैर छुएगी? एक ही दिन में सारे आशीर्वाद चाहिए क्या तुझे? ऐसी बातें करिए दादी, आपके चरणों में तो स्वर्ग है, और स्वर्ग में रहना भला ज्यादा किसको लगता है ना। अब हमें आपकी सेवा करने दीजिए। हमारे पैसे कहाँ है? हमें हमारे पैसे चाहिए, हमने यहाँ रखे थे बहुत अच्छे तरीके से, जानते हैं तुमने उन्हें चुरा लिए, हमें हमारे पैसे चाहिए वापस दो। अरे फाड़ में गए तुम्हारे पैसे, पहले ये बताओ कि हमारे पैसे कहाँ हैं? तुमने चुराए ना, हाँ बताओ हमारे पैसे वापस। अरे कैसे इंसान हो तुम, हमने तुम्हारे पैसे को हाथ तक नहीं लगाए, तुमने हमारे पैसे साफ कर दिए, और अब ऐसे जता रहे जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। एक नंबर के फंकार इंसान हो तुम, झूठे इंसान हो तुम। ओ चोर औरत, हमारे पैसे कहाँ गए फिर? हाँ जमीन निकल गई, आसमान खा गया, हमारे पैसे वापस करो। वाह क्या एक्टिंग कर चुका है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले तुमने हमारे पैसे गायब कर दिया, और अब अपने पैसे चोरी होने का इल्जाम हम पर डाल रहे हो। देखो ये सब ना हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि हमें हमारे पैसे चाहिए, और वो ना हम तुमसे निकलवा कर रहेंगे। कहाँ छुपाए? जेब में है, अभी ढूंढते। तो पैसे जरूर तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। अरे एक नंबर के मक्कार इंसान हो तुम, हमारी किसी जेब में अभी पता लगाते पैसे। हम ऐसे ही हर वक्त तेरी साइड थोड़ी ना लेते हैं, हमें पता है तुझ में जो गुण है वो उस कृष्णा में थोड़ी है, वो थोड़ी ना करती है हमारी ऐसी सेवा। सी बातें कर रही है दादी, हमें तो आपकी सेवा करके ना बहुत अच्छा लगता है, मन को जैसे सुकून सा मिलता है। आपको आराम मिला? हाँ बहुत। तो फिर अब आप आराम कीजिए, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आवाज लगा दीजिएगा, गोपाला हाजिर हो जाए। हाँ हम चलते हैं। हाँ अरे गोपाला, आरती की थाल तो बेचारी रात दिन कितना काम करती है। कृष्णा बेटा, तुझे पूरा यकीन है कि गोपाला पैसे चुराएगी? हमारे गणित के हिसाब से तो हाँ, सारे पैसे गोपाला के पास ही होंगे। उठा। हेलो, मैंने आपको डिटेल्स बता दी थी ना, तो बताइए कागज कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे, हम पैसे लेकर आए। बहुत जल्द, इंतजार रहेगा। हमारा शक सही निकला, सारे पैसे गोपाला के पास ही हैं। अब बस हमें इंतजार करना होगा कि गोपाला अज्जू के पास कब जाएगी।
मतलब हम सबके पैसे कोई ले उड़ा है। अरे कोई लेकर कैसे उड़ेगा, कृष्णा ने पहले हम सबको दिखाने के लिए हमारे हाथ में पैसे दिए और फिर बाद में हमारा जैसे ध्यान भटका हमारे वही पैसे खींच लिए। ये सब कृष्णा ने ही किया है, कृष्णा ने ही हमारे पैसे चुराए हैं। बिल्कुल झूठ, कृष्णा ऐसा कभी नहीं कर सकती। हमारे पैसे भी तो रखे हुए हैं मंदिर में, अगर चोरी होते तो हमारे भी होते। हाँ तुझे तो हम झूठ ही लगेंगे ना, देख ले अगर तेरे पैसे है तो। देखना क्या, सामने ही तो है। ये देखिए आप, ये देखिए, मंदिर से भी पैसे चोरी हो गए। इसका मतलब गोपाला को रोकने के लिए हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। रुको गोपाला। अब देखिए दंगल प्ले पर टीवी से पहले।